हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। बहुत दिनों के बाद ये नया व्लॉग डाला है, लगभग 2-3 महीने और इतना टाइम लग गया गाइस। और उसका रीज़न था कि मैं डिस्करेज हो चुकी थी इतने दिनों से, क्योंकि घर में कोई सपोर्ट नहीं और व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा शायद नहीं हो पाएगा मुझसे। बट टाइम बीतते गया मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मतलब मुझे इसमें करना था, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो शायद और थोड़ी और मेहनत कर लेती हूँ, क्या पता हो जाए इस बार। तो अभी आज मैंने सोचा स्टार्टिंग कर लेते हैं व्लॉग से फिर से नए से। अब मैं डेली तो व्लॉग डाल नहीं पाऊँगी, अपलोड नहीं कर पाऊँगी डेली व्लॉग, बट लेकिन मैं हफ्ते में एक व्लॉग तो ज़रूर अपलोड करना चाहूँगी। अब देखते हैं, मतलब मैं अपलोड कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, ये मेरे लिए चैलेंज रहेगा। और अभी देखो, आज मैं बनाने वाली थी एक साउथ इंडियन डिश, ठीक है, उसका नाम कुछ और था, मतलब स्वीट डिश थी बहुत ही, और मतलब बहुत ही इजी सिंपल थी और मैं पहली बार बनाऊंगी, तो मैंने सोचा व्लॉग में भी दिखा देती हूँ। और अभी सुबह मैंने एक बार सोचा था ना मैं व्लॉग ना ही बनाऊँ, मैं सुबह से बनाने वाली थी व्लॉग, क्योंकि धूप इतनी तेज़ आ गई थी। पर अभी देखो आप पीछे देखो, बादल बादल पूरा अंधेरा अंधेरा भी हो रहा है ना, बादल आ गया और मौसम भी अभी थोड़ा सा सही हो गया, पसीना तो फिर भी हो ही रहा है, देख रहे हो आप, क्योंकि थोड़ा गर्म हो रहा है, क्योंकि बारिश जब आएगी तभी ठंडा होगा, बट फिर भी मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है और मेरे ब्लॉग बनाने के लिए। ओ थैंक गॉड, भगवान जी आपने मौसम अच्छा कर दिया। और अभी बारिश की बूंदें आ रही है छोटी छोटी, और नज़ारा देखो मस्त हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको एक नज़ारा दिखाती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं बनाने के लिए। देखिए पहाड़ ढीले ढीले हल्के दिख रहे होंगे, ऊपर बादल है और अभी पहाड़ों में शायद बादल है, बारिश हो रही है इसलिए पहाड़ साफ नहीं दिख रहे, क्योंकि सुबह पहाड़ पूरे नीले दिख रहे थे साफ, बट अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी बादल छा गया है, शायद वहाँ बारिश हो रही होगी। जैसी बारिश हट में तो धूप आ जाएगी ना, बारिश हो जाएगी वहाँ पर। नीला आपको दिखाया, देखो बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर नीला, ऐसा लगता है पहाड़ एकदम यहाँ पर बहुत दूर है, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हो काले काले बादल छा गए हैं, जो बारिश ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं। ये है गबरू, ये बहुत पीटता है गाइस, ये इसको बहुत मारना आता है, बहुत मारता है, तो सब थोड़ा दूर ही रहता है, पर अभी ये मारेगा नहीं मुझे पता है, ठीक है। तो इसका नाम गबरू रखा है, गबरू जवान बहुत मारता है। वो है काऊ कालू, वो है काऊ, वो काऊ है कालू है। तो ये बकरी है और इसके ये दो बकरे ये बच्चे हैं, ठीक है। और अभी ये पता है क्यों मार नहीं रहा है, कितना ये सोच रहा है कि मैं इसे आम दूँगी, ठीक है, इसकी लालच में मुझे मार नहीं रहा है, है ना गबरू, है ना गबरू। देखा, देखो ये देखो गाइस, यहाँ पे बकरी आ गए चरने, और ये पीछे वाला खेत में चाची का है और यहाँ पे चाची की सारी बकरी है, ठीक है। तो ये लोग चर रहे, कितना अच्छा लग रहा है ना ग्रीन ग्रीन में, और गाइस बारिश की आवाज़ आ रही है क्या आपको, आ रही सू करके वो वहाँ से आने वाली बारिश। और मैं चलती हूँ अभी अभी अपना जो कपड़े वपड़े सब रख लेती हूँ, उसके बाद हम व्लॉग करेंगे, चलो भागते हैं, क्योंकि बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है और सुनाई दे रही है बारिश की आवाज़, यहाँ पहुँचने वाली है, आगे से आ रही है, और मुझे अभी अभी अंदर रखना है सब चीज़, ठीक है, उसके बाद ब्लॉग स्टार्टिंग करेंगे। फाइनली गाइस बारिश आ चुकी है, देखो हाँ देख सकते हो बारिश की बूंदें, और मैं भी अंदर आ गई, हल्की हल्की भीग चुकी हूँ, क्योंकि बकरी बकरी को सब अंदर बांध दिया और जो भी सामान अंदर रखना था रख दिया। और अब हम बनाना शुरू करेंगे अपनी डिश, चलो अभी जो हम डिश बनाने वाले हैं ना, आवाज़ पता नहीं आ रही होगी, और ये बनाएंगे नारियल से, मैंने नारियल से कर दिया, एक ये नारियल है ये, और इसमें बहुत पानी है, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो हम इस नारियल को फोड़ेंगे। और इसको फोड़ना क्या गाइस आपको आता है, मुझे तो इसको फोड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब मैं हर बार कोशिश करती हूँ बट ये ना अच्छे से टूट टूट जाता है, मतलब ये बार आपको बहुत तेज़ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है, तेज़ बारिश हो रही है और मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी, तो कोई बात नहीं, मेरे पास माइक नहीं है और शायद आपका इस बार सपोर्ट रहेगा, तो जल्दी से हम माइक भी ले आएंगे, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम इसको फोड़ते हैं, पहले देखा है ना यूट्यूब पे, बहुत लोग फोड़ते उसे इस तरीके से बीच में ऐसे मारते हैं, बट मैंने इस तरह किया, मेरे नहीं फूटा है, मैं दोबारा से करती हूँ, ठीक है। माय गॉड, अब पसीना देख सकते हो इतना गर्म हो रहा है, मैंने लाइट चढ़ाइए वीडियो शूट करने के लिए, और अभी देखो, और ये कि फूटने का नाम ही नहीं लगा, कैसे फूटेगा यार, मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
अभी यहाँ से ना थोड़ा सा क्रैक आ चुका है, मतलब ये फटने वाला है। फट रहा है गाइस, और इसे पानी है तो वे कुछ नीचे लग रही है, इसको मैं रख लेती हूँ पहले हम इसका। आप देख सकते हो पानी इसका, किस किस को नारियल पानी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। फाइनली इसके दो टुकड़े होने वाले हैं। पहली बार गाइस मेरे गोल बीच में से फूटा है, बट लेकिन अभी भी ये थोड़ा छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो फाइनली देखो मैंने कोकोनट को अच्छे से ग्रेट कर लिया, देख रहे हो इतना माइन। तो वैसे आप देख सकते हैं इस कढ़ाई का दोनों तरफ से हैंडल लिए, और मिडिल ग्लास में ऐसा होता है जब तक किसी के सामान कोई भी सामान को अगर पूरी तरीके से यूज, जब तक ख़राब ना हो जाए तब तक उसे फेंकते नहीं है। तो हमारी कढ़ाई तब तक चलेगी जब तक ये बीच वाली कढ़ाई घिस बन जाए, ऐसी बात नहीं है गाइस, मजाक करेगी, जल्दी नई कढ़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम डालेंगे गुड़, और गुड़ के डब्बे देखो बिल्कुल खाली हो चुका है, नया गुड़ अंदर चलाएंगे, तब तक मैं थोड़ा सा बच्चा बच्चा ना इसमें डाल देता हूँ। तो गाइस तो गुड़ तो डाल दिया है, और अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें गुड़ डाल के बाद हम डालेंगे नारियल को, और अभी मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए गाइस गुड़ डाला है, तो देखो बन चुका है स्टफिंग गुड़ और नारियल की। और इसके बाद हम बनाएंगे इसके बाहर, जिसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे वो है चावल के आटे से, ठीक है। चावल का आटा गूंदेंगे, तो चलो चलते हैं इसको, और इसको ऑफ कर देते हैं फ्लेम को। तो गाइस देखो मैंने चावल का आटा गूंद के रख दिया है, अभी देखो गाइस बारिश कम हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है पर अभी रुक चुकी है। और अभी हमने दोनों चीज़ रेडी कर लिया बना के, और अब हम मेन चीज़ होती है साउथ इंडियन डिश में, वो होती है केले का पत्ता, और केले के पत्ते में हम बनाएंगे। तो हम केले का पत्ता काट के लाते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ठीक है साउथ इंडियन, आपने देखा हो साउथ इंडियन डिश में जितनी भी चीज़ होती है जिसमें केले का पत्ता तो ज़रूर होता है यूज़ में, तो हम केले का पत्ता काटेंगे। मम्मी दराती का रखी है, पैर में भी लग गए दराती। तो गाइस वे आ चुके केले का पत्ता काटने, गाइस देखिए मैंने काट लिया केले का पत्ता, और ये देखिए इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं इसको एक बार धो लेते हैं, ये देखिए गाइस मैंने इसे धो लिया, और ये देखिए छाता, जब बारिश आए तो इस तरीके से छाता बना लो उसके, और जाएगी इसको बनाने। तो गाइस इस तरीके से हम छोटे छोटे पत्ते बना लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के हम उस स्टफिंग को भरेंगे, ठीक है। वैसे ये पत्ता इस तरीके से फैलाएंगे इसको, गाइस देखिए एक फोल्ड बन चुका है, ऐसे हम सारे कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे, और देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रख दिया है स्टीम करने के लिए, ठीक है। ये देखिए स्टीम होके कैसा हो गया, अभी 10 मिनट 10-12 मिनट तो हो गए हैं, पक गया होगा। उसके बाद फिर मैं दूसरा डालूंगी, और उसके बाद हम टेस्ट करके बताएंगे, ठीक है। ये वाला खोल के देख लेते हैं, तो गाइस शायद मुझे लगता है रेडी हो चुका है। पहला निकाल लेते हैं, तो गाइस बन के तैयार हो चुका है। साउथ इंडियन डिश से हम कहते हैं एल्ले वड़ा शायद यही कुछ कहते हैं, और आप देख सकते हो। और अभी मैं टेस्ट कराऊंगी सबको, ठीक है। तो कैसा बन रहा है, दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अरे साउथ इंडियन डिश मीठा स्टीम क्या एल्ले वड़ा क्या बोला था, चख के बता कैसा आ रहा है। मस्त तो रहा है, कच्चा तो नहीं है, सही है। चलो कैसा आ रहा है, हाँ झूठ मत बोलो, पका भी है वो अंदर से पका है। अब देखो मैं इसे खाऊंगी, और ये देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसके पत्ते के अंदर, और अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगी आपको कि ये है कितना टेस्टी या इतना सुंदर लग रहा है, इतना टेस्टी है भी या नहीं है, ठीक है। गैस हो तो बहुत टेस्टी रहा है, अच्छा है, हेल्थी भी है, और इसके बाहर नमक है और अंदर से मीठा है, तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं।
अच्छा लगा मुझको। ये इसका टेस्ट है बंगाली लोग, बंगाली लोग जो होते हैं ना वो एक पीठे बनाते हैं चावल का नमकीन, उस टाइप का हो रहा है बाहर, और अंदर से जो मीठे वाले पीठे बनाते हैं उस टाइप का हो रहा है मिक्स। अच्छा और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट।